और पूरा देश इस वक्त भारत की एशिया कप की जीत का जश्न मना रहा है। अब से बस कुछ देर पहले एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया है और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान रहा है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने आज 6 विकेट झटके। उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया और इसके चलते श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी सिर्फ 50 रन पर चरमरा गई। भारत के सामने सिर्फ 51 रन का लक्ष्य था। इसी जीत का जश्न हम भी मना रहे हैं। यहाँ एबीपी न्यूज मेरे साथ कपिल पाजी हैं, अतुल वासन है और जीएस विवेक हमारे साथ कोलंबो से लाइव जुड़े हुए हैं। पाजी, लगातार अब चर्चा गर्म रहेगी कि एशिया कप सिर्फ झांकी है, वर्ल्ड कप अभी बाकी है। इसका ये मतलब है कि ये टाइटल आपको भले ही मिल गया हो, लेकिन अभी भी आप अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं कर सकते। कभी सोचना भी नहीं चाहिए, ये निकल गया, ये इतिहास छाप दिया आपने, लेकिन जो असली है वो वर्ल्ड कप है। ये आज की खुशी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप का रास्ता बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होगा, लेकिन ये जीत आपको ये कह सकती है कि एक मौका मिल गया सोचने का कि हाँ, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगले 3 मैचेस जब ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ये प्रैक्टिस मैचेस कह सकते हैं, लेकिन तारीफ तो करनी होगी जी। अतुल, क्या आप इस बात से सहमत है? क्योंकि देखिए, वर्ल्ड कप जो होगा वो बिल्कुल एक अलग मंच होने वाला है। वहाँ पर सिर्फ आपके सामने एशिया की टीम्स नहीं होंगी, पूरे दुनिया की बेस्ट टीम्स आएंगी। देखिए, पहले भी जब हुआ था आपको बिल्डअप, हमने 2011 में जीती थी, ये तो टीम सेटल थी और जो क्रंच मैचेस थे ना उसमें जो परफॉर्मर्स थे वो स्प्रेड आउट कर रहे थे। ऐसे ही आज की परफॉर्मेंस अकेला ही कोई मैच जिता के ले जाए बहुत कम होती है, पर मुझे लगता है एक विंडो क्लियर हो गई है कि ये वनडे की बॉलिंग टेस्ट मैच की बॉलिंग हो गई है और आपके लिए इसके स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए। अच्छी बात है, शमी आपको बोला था मैंने, उनको खिलाना चाहिए था, पर सिराज ने देखिए कर दिया। दोनों सिमिलर बॉलर हैं, सीम से करते हैं और आजकल नया बॉल ओडीआई में स्विंग होता है। और क्योंकि T20 अलग है कैटल, क्योंकि वहाँ किसी बॉलर को आंक नहीं सकते और टेस्ट मैचेस ये सिराज खेलते हैं, टेस्ट मैच शमी खेलते हैं, तो वैसी अटैकिंग गेंदबाजी इंडिया में करनी होगी क्योंकि शुरू में आपको रन भी पड़ जाए कोई नहीं, अगर विकेट निकाल देंगे तो मिडल ओवर में बहुत आसानी। और अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिराज भी हैं, शमी भी हैं, टीम इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता का रुख कर लेती हूं। अजय बाजू हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं, रिया भी हैं और दोनों के पास बहुत सारे फैंस हैं। लेकिन अजय, जल्दी से पहले मैं आपके पास आ रही हूं, फैन से बात कीजिए, फिर मैं रिया के पास जाऊंगी। आप ये मानते हैं कि ये जो आज का मैच हुआ ये एक झांकी था, अभी वर्ल्ड कप भी इंडिया टीम लाएगी? ये तो पिक्चर का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये बच्चों के साथ खेला इन्होंने, ये गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ खेला गया ये। मैं तो कहता हूँ हमारे जम्मू के बच्चे इनसे खेल रहे हैं, जम्मू के बच्चों के साथ इनका मैच कराना चाहिए था श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ। बाप बाप होता है, आज बता दिया गया बाप बाप होता है। आप इतना बड़ा तिरंगा लेकर आज खुशी का इजहार कर रहे? ये सर हर बार ही निकलता है, जब हमारा देश, हमारा इंडिया टीम जीती है, भारतीय टीम जीती है, ये हमेशा निकलता है। ये पिछली बारी भी निकलता और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी आगे भी होगा, ये तब भी निकलेगा और ये मेरे हाथ में ही होगा तिरंगा। वर्ल्ड कप का ट्रेलर था? बिल्कुल बिल्कुल, 7 साल बाद तिरंगे की तस्वीरों के साथ टीम हमारी जीती, जम्मू के लोगों को जश्न मनाने दीजिए जी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।